अभी भी 90 डिग्री तो कंफर्म है कि नहीं हो सकता, आपको पता है 90 डिग्री इज टेंजेंट। पर ऐसे कंडीशन में ना बच्चों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, एंगल क्या रोल प्ले नहीं करता है, पर क्या हमारे वेलोसिटी में, बच्चों सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग, डोंट वरी बच्चों, सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ अब मैं आपको बता रही हूँ, हाँ जब हम निकल रहे सड़क पे, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सीधे सीधे जा रहे हैं, पर कभी भी हमारे किसी भी वेलोसिटी के फॉर्मूले में वो एंगल वाला सेक्शन नहीं आया। क्योंकि कैसा होता ना बच्चों, अगर दो गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई, सपोज किसी को सेंटा क्रूज से वसई जाना है और किसी को सेंटा क्रूज से चर्चगेट जाना है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सेंटा क्रूज से वसई और सेंटा क्रूज से चर्चगेट का डिस्टेंस सेम टू सेम, बट किसी को पहुंचने में जल्दी हो सकता है, किसी को देर। चलो मैं बोल रही हूँ पूरा लॉकडाउन है, सड़क वड़क पूरी खाली है, पर फिर भी पहुंचने में देरी किसी एक को जरूर होगी, तो वो क्या बोलेगा, या उधर टर्न्स कितने थे यार, इसलिए लेने में देरी हो गया, कितने टर्न्स थे, बार बार मैं टर्न ही मार रहा था, मतलब टर्न मारने में बंदे का टाइम जा रहा है कहीं ना कहीं, और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इमेजिन करके देखो, टाइम उसके जा रहा है, उसका यूटिलाइज हो रहा है ना टाइम कहीं ना कहीं, फिर प्लस उसके साथ और क्या हो रहा है, उसको डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना उसका, वसई वाला बंदा बोलेगा यार बहुत सारे टर्न्स है, मैं तो परेशान हो गया। तो बच्चों ये कंडीशन में आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लस वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, और दोनों ही चीजें जब वेरी हो जाए तो पक्की बात है वेलोसिटी पे सीधा असर होगा। पर हमारे फॉर्मूले में ना डिस्टेंस को कभी ध्यान दिया गया कि एंगल की वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है, या बार बार किसी बंदे को टर्न्स लेना पड़ रहा है तो उससे टाइम में भी बढ़ोतरी हो रही है, टाइम इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीजेस टाइम बाई टाइम, क्या ये चीज आप फोकस कर रहे हो। तो बच्चों इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया रोटेशनल डायनेमिक, क्योंकि जब भी कोई चीज डायनेमिक मोशन में जा रही है, मतलब अलग अलग तरीके का रोटेशन कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेशनरी पोजिशन पे रह के वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसा फॉर्मूला लेके आप उस चीज को डिराइव करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, क्योंकि फिजिक्स हमेशा बारीकियां तलाशता है कि मैं बारीक से बारीक चीजों का भी आंसर ला के दूँ, मैं किसी भी चीज को ये ना बोलूँ कि हाँ भाई इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे याद करना है, यही फॉर्मूला बस रट्टा मारो कहानी खत्म कर दो एंड यू आर द टॉपर, मतलब आपको सब्जेक्ट पूरा आता है, बट वो सब्जेक्ट तब आपको पूरा आएगा जब आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके पास रहेगा, क्योंकि कल आईआईटी नेट वाला आपसे वही डिमांड करेगा कि तुझे रट्टा मारना तो तूने सीख लिया, तुझे कॉन्सेप्ट क्या आता है, तू मैथ्स में ये फॉर्मुला पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री में कोई चीज पढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और आप किताबी ज्ञान दे दोगे तो कोई इंटरव्यू वाला आपको रखेगा नहीं, वो बोलेगा यार इसको तो सिर्फ किताबी नॉलेज है, तो कॉन्सेप्ट नॉलेज क्यों क्या कैसे ये जरूरी है। तो इसके लिए बच्चों रोटेशनल डायनेमिक्स की, क्योंकि जब कोई चीज रोटेट कर रही है, जब कोई चीज एक जगह पर बैठी ही नहीं है, जैसा अभी मैंने जो एग्जांपल दिया गाड़ी के टर्न्स वाले पार्ट का, तो जब कोई चीज यहाँ से वहां मोशन कर रही है तो ऑब्वियसली बात है वो डायनेमिक्स वाले पार्ट में, तो इसकी वजह से यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ी, किस चीज की जरूरत पड़ी वो मैं आपको आपको लिख के बता रही हूँ। मैं यहाँ पे दो लाइन बना दे रही हूँ, फर्स्ट है, एक सेकेंड, फर्स्ट है मैंने लाइन बनाई है लीनियर वाली, दूसरी मैं बना रही हूँ एंगुलर वाली, ठीक है बच्चों। अब पहली चीज होती है जब मैं लीनियर के बारे में बात करती हूँ, तो लीनियर में क्या आता है, डिस्टेंस, लीनियर का इन शॉर्ट मतलब बच्चों क्या होता है, सीधी सीधी लाइन, तो आप लोग जो अभी तक पढ़ते हैं डिस्टेंस एक्स वो भी लीनियर है, आप वेलोसिटी पढ़ रहे हो डिस्टेंस अपॉन टाइम वो भी लीनियर है, फिर आप एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो वेलोसिटी अपॉन टाइम वो भी लीनियर है, क्योंकि लीनियर मतलब क्या, जहाँ पे एंगल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जहाँ पे कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाती है उसको हम लीनियर बोलते हैं, और एंगुलर मतलब क्या, जहाँ पे एंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपने 9, 10 तक इवन जो भी चीज सब कुछ पढ़ा है वो सब लीनियर के अंदर आता है, मतलब इन शॉर्ट में बोलने जाऊं तो वेलोसिटी इज एक्चुअली व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उस वेलोसिटी को आप सिर्फ वेलोसिटी ना बोल के अब आप उसको बोलो लीनियर वेलोसिटी, व्हाई लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि अब आप सिक्के का दूसरा पहलू पढ़ने वाले हैं कि चीजें एंगुलर वाइज भी कैलकुलेट की जानी चाहिए, जो कि अब तक हमने नहीं की थी, जिसकी वजह से एरर भी आते थे, पर हमको क्या है फॉर्मूला रट्टा मारने की आदत है, हमको ये सोचने की आदत नहीं है कि यार टर्न्स होते हैं एंगल का क्या, वो तो हम पढ़ ही नहीं रहे, ये किसी ने नहीं सोचा। तो फिजिक्स क्या है, हर बारीक चीज को आपके सामने लाके रखता है, उसके बारे में आपको समझाता है, उसका फॉर्मूला भी बताता है, इसके लिए फिजिक्स को समझने के लिए आपको इमेजिनेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आज के टाइम पे रिसर्च हो रहे हैं, अदरवाइज रिसर्च भी आपको यहाँ वहाँ नहीं नजर आते, मैक्सिमम रिसर्च फिजिक्स के होते हैं, उस रिसर्च के बेसिस पे केमिस्ट्री बायो हो या मैथ्स हो उसमें इन्वॉल्वमेंट लगता है, तब जाके कोई रिसर्च कम्प्लीट होता है कि नहीं। तो अब आपको फंडा क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का और जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, तो अब जो अपने पास रेस्ट 15 मिनट्स बचे हैं उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बता दे रही हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। तो लीनियर एक्स जो हो गया, इसको हम पहले डिस्टेंस बोलते थे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्टेंस। अब
एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में वही चीज थीटा करके लिखी जाएगी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा आ गया, सिर्फ थीटा लिखना है, दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वॉट एवर वी डिनोटेड जस्ट नाउ, दैट इज एक्स, इट शुड बी लीनियर डिस्टेंस, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा एंड इट शुड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एंगल के रिलेटेड बात कर रहे हैं, और एंगल का जहां पे बात आएगा उस चीज को हम हमेशा एंगुलर बोलेंगे। अब अगला स्टेप पे आते हैं वेलोसिटी के बारे में, ये तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टी या डी एक्स अपॉन डी टी, हम ऐसे करके लिखते हैं वेलोसिटी। क्या बच्चे आपका आवाज मेरे को अटक रहा है? हेलो हेलो बच्चों, सुन पा रहे हो मुझे? ओके तो बच्चों एक्स का अगला स्टेप क्या होगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको डी एक्स अपॉन डी टी भी लिखा जाता है। तो एंगुलर में क्या होगा, अगर ये वी को अभी हम वेलोसिटी ना बोल के अब हम क्या बोलेंगे इसको, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि इसमें एंगल इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सीधा इसको नाम दे दिया लीनियर वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अब सिक्के का दूसरा पहलू भी आ गया कि चीजें जब एंगुलर बदलती है तब उनका क्या। तो अब अगला स्टेप हम पढ़ेंगे दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों ये जो ओमेगा का सिंबल आपके सामने आया है ना, इस ओमेगा को ही हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इस ओमेगा को ना बच्चों हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बट जहां पे भी वेव से रिलेटेड सेक्शन होता है, भले वो पेपर वन हो भले वो पेपर टू हो, जहां पे भी वेव से रिलेटेड सेक्शन आ गया ना, इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर पेपर टू में मैं आऊँ और आपको करंट वगैरह के बारे में मैं डिस्कशन करूँ, करंट वाला चैप्टर, तो करंट भी एक वेव तरीके का मोशन ही परफॉर्म करता है। तो वैसे वाले सेक्शन में ना बच्चों इस ओमेगा को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे। बट जहां पे भी वेव से, अभी इवन पेपर वन में आप स्टेशनरी वेव पढ़ो, आप ट्रांसवर्स वेव पढ़ो, आप लॉन्जिट्यूडनल वेव पढ़ो, मतलब जहां पे भी आप वेव पढ़ो, इट इज नॉट नेसेसरी वो पेपर वन हो, इट कैन बी पेपर टू ऑल्सो, वहां पे ये ओमेगा ना बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके डिनोट किया जाएगा। बट यहाँ इस चैप्टर में कुछ ऐसा वेव वाला कोई कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे सब वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला ही लग रहा है, मतलब वेव वाला नहीं लग रहा है ना, इन शॉर्ट दैट मीन्स इस ओमेगा को आप क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा डी थीटा बाई डी टी आप बोल सकते हो, या तो आप इसको थीटा बाई टी भी बोल सकते हो, आप ये बोलो बोथ आर इक्वली सेम, ठीक है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये इसका फंडा है। तो इधर वेलोसिटी वाला पार्ट भी खत्म हो गया, फिर आप अगले स्टेप पे आओगे एक्सेलरेशन, क्योंकि डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इट कैन बी डी वी बाई डी टी और इट कैन बी वी बाई टी, इट कैन बी वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया है इसके बारे में। तो अब एंगुलर में जब हम आएंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा बच्चों अल्फा, ये जो अल्फा का सिंबल आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये कहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एंगुलर वाले सेक्शन में लिख रही हूँ, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर, और इधर वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन लो और ये वाला सेक्शन लो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस अल्फा को ना बच्चों हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो इसको आप डी ओमेगा बाय डी टी भी लिख सकते हो बच्चों, आप इसको ओमेगा बाय टी भी लिख सकते हो, आप दोनों लिखो, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली एप्लीकेबल है, सब चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो अब हम सिक्के का दूसरा पहलू पढ़, तो इसका पढ़ने का मतलब मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि जो वो टर्न्स के बारे में, जब वो डिस्टेंस बढ़ता था, टाइम बढ़ता था, क्यों नहीं कैलकुलेट करते थे यार, फिजिक्स तो तुमको ये नहीं बोलता ना, फॉर्मूला रट्टा मार और जाके सॉल्व करके आ जा, तेरा काम हो जाएगा, उल्टा आईआईटी नेट के क्वेश्चन जाके देखो, स्पेशली आईआईटी के, वो तो तुम्हारे दिमाग, वो तो चाहता है कि तो हम, अगर तेरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही मैं तुझे आईआईटी की सूट दूं, वरना मैं तुझे दूं भी ना। तो फिजिक्स में ये चीज नहीं चलती है कि आप फॉर्मूला याद करो उसको रट्टा मारो, यहाँ पे ये चलती है कि तुम कितना चीजों को समझ रहे हो, अगर तुमने समझा है तो क्या फॉर्मूला, क्या न्यूमेरिकल, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, बट यू नीड सच काइंड ऑफ इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइल लर्निंग। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार मैंने मैथ्स में वो एक्सरसाइज पढ़ा, उस एक्सरसाइज में वैसे वैसे वो चीज सॉल्व होती है, तो फिजिक्स में भी मैं ऐसे ही करूंगा, ये वाला सम आया ना मतलब इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। मैथ्स में जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आप उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में कितना जानते हो मेरे को उतना बताओ, आप नहीं जानते, पर आप मैथ्स को लेके अगर आप टॉप भी मार्क्स निकालते तो आप बोलते हैं आई एम अ टॉपर, पर आप उतना ही फिजिक्स में निकालो, और फिजिक्स में निकालने से आपको मैथ्स कितना ईजी लगेगा, इवन आप मैथ्स की भी एप्लीकेशन जानने लगोगे, आपको केमिस्ट्री कितना ईजी लगेगा,
आप उसको देखो, क्योंकि फिजिक्स में आपको हर एक चीज के बारे में आपको सोचना पड़ रहा है। वही सोच जब आप केमिस्ट्री में डालोगे या मैथ्स में डालोगे, आपको वो दोनों सब्जेक्ट भी बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करने लगेंगे धीरे धीरे। आप ये मत सोचो कि एक झटके में सब हो जाएगा। किसी बच्चे को 4 दिन में मजा आना चालू हो जाएगा, किसी बच्चे को लगेगा यार मेरे को तो 10 दिन हो गया कुछ अलग ही नहीं रहा, मैम तो बहुत कुछ बोल रही थी। तो हर बच्चे का अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो किसी को हार नहीं मानना है, हर किसी को अपना एफर्ट्स लेते जाना है। एंड आई एम डैम श्योर वो एफर्ट्स सक्सेसफुल होगा। किसी का 2 दिन में, किसी का 4 में, किसी का 10, तो किसी का 20 दिन में भी हो सकता है, बट एफर्ट्स को छोड़ना नहीं। एंड इफ फर्स्ट से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट और प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। और मेरी तरफ से इतना कन्फर्म है कि अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे भले ही सिचुएशन कैसी भी है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में मैं जाती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ी इसकी यूनिट के बारे में मैं डिस्कशन करती हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ स्लाइड को, चाहिए रहेगा तो आप बाद में ले लेना, मेरे से बोल देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। मैंने इसको सेव कर लिया बच्चों। अब बात आती है डिस्टेंस की यूनिट अपन मीटर पढ़ते थे, वेलोसिटी की यूनिट अपन मीटर पर सेकंड पढ़ते थे, एक्सेलरेशन की क्या पढ़ते थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो भैया लीनियर के लिए था, इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब हम नया चीज चालू कर रहे हैं एंगुलर, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आते ही चीजें और डीप में हमसे चाह रही हैं कि हम परफेक्ट आंसर निकालें। ये नहीं कि फॉर्मूला उठा के डिक चिपका दी और कहानी खत्म, वो नहीं करना है। तो एंगुलर में पहली चीज आपने क्या पढ़ी, थीटा। तो थीटा का यूनिट है ना बच्चों होगा रेडियन। आप इधर ये नहीं लिख सकते बताए कि डिग्री डिग्री, इट इज नॉट योर मैथमेटिक्स, यहाँ पे रेडियन की बात होगी। फिर आप अगले स्टेप पे आओगे, ओमेगा इज थीटा बाय टी। तो थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली वो रेडियन ही होगा। नीचे क्या आया, टाइम। तो ये क्या आया, सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की यूनिट होगी बच्चों रेडियन पर सेकंड। फिर आप अगले स्टेप पे आओ अल्फा, तो ओमेगा का पहले से निकाल चुके हो रेडियन पर सेकंड, नीचे फिर से एक सेकंड आया, तो आपका आंसर क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से आपकी यूनिट आगे कैलकुलेट हो गए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो एंगल वाला सेक्शन है उसकी यूनिट इस तरीके से लिखी जाएगी। और आगे आपको मैथ्स के बारे में पता ही होगा डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन कैसे होता है, उसके लिए तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये होने के बाद में अगली जो चीज है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूले को ना बच्चों हम लोग इस फॉर्मूले को एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पर पूछा कैसे जाता है, इसको पूछा ऐसे जाता है कि वी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एग्जाम में इसको पूछा ऐसे जाएगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है और ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इनके बीच का रिलेशन डिराइव करके बताइए। मतलब एट दी एंड सामने वाला आपसे चाहता है कि आप ये फॉर्मूला निकाल के बताओ उसको, ऐसा v इज इक्वल टू आर ओमेगा उसको निकाल के बताओ। तो ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में, या एग्जाम में डायरेक्टली भी सामने वाला पूछ सकता है, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल से थोड़े फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर थोड़े लीनियंट बनना चालू हो गए, कि मतलब बच्चों को थोड़ा बोर्ड वाला रहम खा रहा है, थोड़े क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने आसान किया, वरना बहुत डिफिकल्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाते थे, आंसर वही रहते थे, पूछने का तरीका डिफिकल्ट रखते थे वो। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा डायरेक्टली पूछ ले कि प्रूव दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपको ये कैसे निकालना है वो मैं बताती हूँ। तो निकालना ऐसे है बच्चों कि सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज है, इसकी कुछ तो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिससे ये रिवॉल्व कर रहा है, फिर इसका यहाँ पे रेडियस भी है, सर्कल का रेडियस आपके सामने। तो अभी कैसा है ना, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आपको प्रूव करना है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले आप ये बोलो, आपको जो पता है सिर्फ उसी से शुरुआत करो, कि मैम मुझे पता है कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बट अगर मैं आपको बच्चों यहाँ पे ये बोलूँ कि आप यहाँ से चलना चालू किए और मैं आपको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने आपको स्टॉप कर दिया, अब आप बताओ इसका वेलोसिटी का फॉर्म, इसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। मतलब आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ से, आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और मैंने आपको इस पॉइंट पर सडनली आके रोक दिया इस वाले पे। तो जब आप इसको ऐसा ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंगल थीटा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ये डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है बच्चों। तो आपको जब वेलोसिटी निकालना होगा तो ये जो एक्स है ना, वो आपका ये रहेगा, दिस विल बी योर एक्स। तो आप इसको क्या बोलोगे, आप सोचो इसको आप क्या बोलोगे, किसी का कुछ आंसर है तो प्लीज मुझे मैसेज में टाइप करके बताओ आप इसको क्या बोलोगे।
लेंथ ऑफ आर्क। हाँ करेक्ट है, आप उसको लेंथ ऑफ आर्क बोलोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट है, आप इसको वही चीज बोलोगे। तो आपको जब ये प्रूफ करना होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वाले सेक्शन को आप क्या बोलोगे, सपोज इसको आर्क को मैं एस बोल रही हूँ, ये एस मतलब अपना आर्क हो गया, डिवाइड बाई टी। तो ये एस की जगह पे आप जो एस, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये होगा कि ये इस सर्कल का रेडियस ऑलरेडी आर था और मैं यहाँ से यहाँ गया मतलब थीटा भी कवर हुआ, मतलब एस की, एस का जो फॉर्मूला होगा वो मेरा क्या होगा, आर थीटा हो जाएगा। एस का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा आर थीटा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये इधर तक फर्स्ट स्टेप है, मैं पहले बता दे रही हूँ, ये फर्स्ट ऊपर। या तो मैं काम कर दो, इसको पूरा रफ कर देती हूँ ताकि स्टार्टिंग से बता पाऊँ। मैं और एक चीज फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल का रेडियस था, मैं यहाँ से यहाँ गई और मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई, मतलब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला मैंने कवर किया। इस वाले ब्लैक वाले सेक्शन को हम क्या कहेंगे, आर्क बोलेंगे। आर को सपोज मैंने नाम दिया एस करके, एस अल्फाबेट, इसका फॉर्मूला आ गया आर थीटा। अगर आपका ज्योमेट्री पक्का होगा तो आपको पता चल जाएगा आर थीटा कैसा है, नहीं भी पक्का है तो समझ, तो जस्ट मेरी ये बात सुनो, इस आर को मैंने एस बोला है और ये आर थीटा क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पहुंची, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने यहाँ से शुरुआत की होगी, दिस विल बी आर, और मैं यहाँ तक पहुंची मतलब इधर तक एंगल भी लगा होगा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा है कि नहीं। तो अगर मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस के नाम पे लिखूंगी एस अपॉन टी, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो एक्चुअली आर कवर हो रहा है, तो आर को मैंने क्या लिखा है, एस करके लिखा, एस अपॉन टी। अब इस एस का फॉर्मूला क्या है, इस एस का फॉर्मूला है आर थीटा अपॉन टी। अब अगले स्टेप पे मैं आती हूँ, अगले स्टेप पे आप नोटिस करो, ये सर्कल है, सर्कल में मेरा थीटा कुछ भी हो सकता है, ये कोई घड़ी तो है नहीं कि 12 से एक भी 30 डिग्री एंगल कन्वर्ट होगा, एक से दो के बीच में भी 30 डिग्री एंगल कन्वर्ट होगा, दो से तीन के बीच में भी वही एक डिग्री सॉरी 30 डिग्री एंगल कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। तो नॉर्मल सा सर्कल है, मैं यहाँ पे रुकू या मैं यहाँ पे रुकू, दैट्स माई चॉइस। मतलब इस सर्कल में एंगल कुछ भी हो सकता है, बट रेडियस कुछ भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल में क्या चीज कॉन्स्टेंट होती है, सर्कल में ले देके एक रेडियस ही तो होता है जो कॉन्स्टेंट होता है। तो आर कॉन्स्टेंट है, इसके लिए मैं इसको बाहर कर दिया, अंदर मैंने लिखा थीटा बाय टी, और यहाँ पे आया वी। अब आप याद करिए थीटा अपॉन टी क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, करेक्ट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, ओमेगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बात खत्म। दो मार्क्स का ये एग्जाम में आता है, या तो ये प्रूफ करने के लिए सामने वाला बोलेगा डायरेक्टली फॉर्मूला दे देगा, या तो बोलेगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में दो मार्क्स के लिए। ये तो भाई मैंने नॉर्मल लिखा, इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी बच्चों लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्मेट में आपको इसके अंदर ओमेगा पहले लिखना है, आर बाद में लिखना है, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा लिखा जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर इसको ऐसा लिखा जाएगा। अब आप बोलोगे मैम इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ऐसा है कि एज पर द राइट हैंड थंब रूल, अगर आप अपना राइट हैंड कहो, वो फ्लेमिंग वाला रूल नहीं होता है कि थंब अपवर्ड फिर वो फिंगर वाला, वैसा आप अपना हाथ बनाओ तो आपका फिंगर जो है ऊपर की तरफ है, पर जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो किधर जाएगा, वो उल्टा तो घूमेगा नहीं ना, मतलब वो घड़ी का काटा है आपके हाथ हाथ करो, आपका वो फिंगर 12 से 1 बजे की तरफ तो नहीं घूमेगा ना, उल्टा हो जाएगा वो 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, वो फिंगर आपका वैसे घूमेगा, मतलब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कैसा होता है, जब ये वी इक्वल टू आर ओमेगा को जब आप वेक्टर में लिखना चाहते हो, तो एज पर द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, चीजें एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से जब आप इसको वेक्टर में लिखने जाओगे ना, तो ये माइनस साइन लेके आप, तो माइनस साइन मतलब कैसे, मैं बता देती हूँ, लिख के माइनस साइन ऐसे, ऐसा माइनस आर इंटू ओमेगा, ऑब्वियसली इधर ये स्केलर प्रोडक्ट का, बीच में कुछ मैंने क्रॉस लिखा है, नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्रॉस लिखा, तो माइनस साइन लेके आएगा। क्यों, वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है, प्रॉपरली स्पेसिफाई करो चीज क्लॉकवाइज घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और जैसे भी घूम रही है आगे प्लस माइनस साइन भी डालें। तो आप ये फॉर्मूले को ऐसे लिखोगे v इज इक्वल टू माइनस आर इंटू ओमेगा। अब ऑब्वियसली बात है किसी को भी माइनस साइन पसंद नहीं आती है, स्कूल लेवल से आपको आपके मैथ्स टीचर तक नहीं समझाया होगा, बच्चों जहाँ पे भी माइनस होगा उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी, तो हम भी इसको अवॉइड ही कर रहे हैं।
तो हमें माइनस को अवॉइड करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको उल्टा ही करके लिख देंगे ओमेगा इंटू आर। जब मैं आर माइनस आर इंटू ओमेगा को उल्टा लिखूंगी तो ऑब्वियसली और एक माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो प्रीवियस माइनस को हटा डालेगा, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो गया और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना ही सेक्शन था बच्चों अपना आज के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रॉपरली। आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना, सर ने शायद इसको रिकॉर्ड किया है बच्चों, ऐसा मत सोचना कि सर ने रिकॉर्ड नहीं किया है, सर ने सब रिकॉर्ड किया, टेंशन मत लो उस बात का। ठीक है, तो आज हेलो, हाँ तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा देख लो आप एक बार, मैं आपके सामने टेक्स्ट बुक ओपन करके दिखा देती हूँ। हमने आज के लेक्चर में ये क्यू पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ओमेगा का ये फॉर्मूला क्या होता है, और इसके अंदर आप देखो टू पाई एन लिखा है, ये टू पाई एन इसके लिए आया क्योंकि टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन होता है, ये एन मतलब फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपकी वो 11 की बुक में मिल जाएगा। तो ये पढ़ा इसका मीनिंग पढ़ा हमने, फिर हमने ये ये ओमेगा डी थीटा बाय डी टी, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा। फिर मैं याद करो, मैंने वी इक्वल टू आर ओमेगा भी पढ़ा, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी आज हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली, ये सारे के पांचों जो मैंने पॉइंट आपके सामने रखे थे कि आज हम पढ़ेंगे, आई होप कोई चीज मिसिंग नहीं हुई, सब अपन ने पढ़ लिया बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। प्लीज बच्चों प्रॉपरली आप लेक्चर अटेंड करिए और बिल्कुल टेंशन लीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बट आपको आपकी प्रैक्टिस करनी है, एंड डोंट थिंक अबाउट कि दूसरे को कितने देर में समझा, हर कोई बच्चा डिफरेंट है, आपको किसी के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं करना है, ना खुद के ऊपर क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, आज नहीं सीखोगे, दो चार बार प्रैक्टिस करने का सीखोगे बट डेफिनेटली सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही है, मे आई गो नाउ बच्चों। ओके बच्चों, आई होप आप लोग अपने घर वालों का ध्यान रखोगे, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बच्चों। थैंक्स मैम।